बद्रीनाथ धाम के आज खुले कपाट, पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ किया पूजन। गढ़वाली स्काउट्स बैंड ने भगवान बद्रीनाथ के दर पर निभाई। भक्तों में बद्रीनाथ के दर्शन का दिखा कपाट खुलने का उत्साह। आरती के दौरान भक्ति भाव में झूमी महिला। आज बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। सुबह 8:30 बजे देहरादून से पहुंचेंगे बद्रीनाथ। 1.5 घंटे तक बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहेंगे मौजूद। यूपी के सीएम योगी ने दिया सबका साथ सबका विकास का भरोसा। आज तक के कार्यक्रम पंचायत में बोले नहीं होगा टीका टोपी में भी। देखिए यहां पे न टीका का भेद होगा न टोपी का भेद होगा, दोनों से मुक्त होकर के जिसको टोपी लगानी हो टोपी लगाएं, जिसको टीका लगाना हो टीका लगाएं। गोरक्षा के नाम पर उपद्रव करने वालों को योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, कहा बख्शे नहीं जाएंगे कानून को हाथ में लेने वाले। आज तक के पंचायत में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को बताया अपनी प्राथमिकता, बोले 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने से पहले हो जाएगा इसका खात्मा। जब मैं 100 दिन के इस सरकार के कार्यकाल की पूरे लेखा जोखा के साथ मीडिया के सामने आऊंगा, बेटी हर माँ और उत्तर प्रदेश का हर व्यापारी और हर नौजवान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा का किया वादा, बोले यूपी में मां बहनें अब खुद को ना महसूस करें असुरक्षित। यूपी में वीआईपी कल्चर खत्म करने का भी योगी ने दिया निर्देश, बोले सभी समान हैं, किसी को वीआईपी कल्चर अब खत्म। धोखेबाज बिल्डर से परेशान लोगों के जख्मों पर सीएम योगी ने लगाया मरहम। आज तक पंचायत के मंच से कहा बिल्डर्स ने घर नहीं दिया तो जब्त होगी जायदाद। समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे, समय पर उनकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, उनकी संपत्तियों को जब्त करेगी। यूपी के युवाओं से योगी आदित्यनाथ का वादा, अगले 5 सालों में लाखों नौजवानों को मिलेगा रोजगार। आज तक के मंच पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने खोला पिता मुलायम और पीएम मोदी के बीच हुई कानाफूसी का राज। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में मुलायम और पीएम के बीच वार्ता का किया खुलासा। अखिलेश यादव ने बताया पिता मुलायम ने उस वक्त पीएम मोदी से कहा मोदी जी बच के रहना, ये मेरा बेटा है। नेताजी ने कहा प्रधानमंत्री जी बच के रहना, ये मेरा बेटा है। पंचायत आज तक के कार्यक्रम में सियासी तलखी भूलकर गर्मजोशी से मिले योगी और अखिलेश। पूर्व सीएम ने हाथ मिलाकर किया मौजूदा सीएम का स्वागत। अखिलेश ने दिए कांग्रेस से गठबंधन जारी रखने के संकेत। पंचायत में बोले राहुल से लंबी चलेगी दोस्ती। एसपी बीएसपी के रिश्तों को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान। पंचायत में बोले कुछ लोग नहीं आने देंगे दोनों पार्टियों को साथ। आज तक के पंचायत में यूपी के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। केशव प्रसाद मौर्य बोले 5 साल के लिए नहीं 25 साल के लिए है योगी सरकार। यूपी में गन्ना किसानों के बकाए पर सीएम योगी के वादे की डेडलाइन खत्म, लेकिन किसान अभी भी निराश। बागपत के 19 किसानों ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लिखा खत, खुदकुशी के लिए मांगी मंजूरी। यूपी एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर बागपत कौशाम्बी लखीमपुर खीरी इलाके में पेट्रोल पंप पर की छापेमारी, कई जगहों पर मिली पेट्रोल चोरी करने वाली चिप। योगी सरकार के राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने मुरादाबाद बाल सुधार गृह में मारा छापा, बदहाल स्थिति देखकर रह गई दंग। मंत्री गुलाबो देवी के औचक निरीक्षण पर बाल सुधार गृह के कर्मचारियों के छूटे पसीने, मंत्री ने बच्चों से अलग अलग जानी समस्याएं। बाल सुधार गृह में सामने आई बर्बरता की रूह कपा देने वाली तस्वीर, कर्मचारियों की पिटाई से एक मासूम बुरी तरह दिखा घायल। मासूम ने मंत्री गुलाबो देवी से बयां किया दर्द, मामूली बात पर भी पेड़ से टिकाकर डंडों से होती पिटाई। मंत्री गुलाबो देवी की आत्मीयता पर फूट पड़े बेसहारा बच्चे, फफक कर रोते हुए बयां की दर्द की दास्तान। बच्चों को मुरादाबाद बाल सुधार गृह में भरपेट नहीं दिया जाता खाना, अधिकारियों ने दी दलील बड़ी पूरी थी इसलिए एक भी। बच्चों में शिकायत के बाद था फिर पिटाई का खौफ, मंत्री गुलाबो देवी ने
शक का किया निवारण, बच्चों को दिया अपना मोबाइल नंबर, बोली परेशान किए जाने पर सीधे करे फोन। अगर हम नहीं आते तो यही आप दे रहे थे बराबर, चेंज तो करा दोगे या ऐसा दे पैसे रहे हो? अगर हम नहीं आते तो यही आप दे रहे थे बराबर। थमने रही आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास और शीर्ष नेतृत्व के बीच अंदरखानी की सियासत, कुमार विश्वास पर आरोप लगाने वाले अमानतुल्ला का बढ़ा कद। विश्वास पर आरोप के बाद पार्टी से निलंबित विधायक अमानतुल्ला अल्पसंख्यक कल्याण समिति अध्यक्ष बनाया गया, विधानसभा की 5 और कमेटियों के भी बने सदस्य। हाल ही में आम आदमी पार्टी से निलंबित किए गए हैं अमानतुल्ला। कुमार विश्वास पर आरोप लगाने के बाद नाराज विश्वास को मनाने के लिए हुई थी कार्रवाई। कुमार विश्वास के करीबी माने जाने वाली अलका लांबा का पार्टी में घटा कद, अब विधानसभा के सिर्फ एक कमेटी की सदस्य। कुमार विश्वास के करीबी माने जाने वाली सोमनाथ, भावना गौड़, राजेश ऋषि और विधायक मनोज के अधिकार में भी कटौती, सिर्फ एक कमेटी के तक सीमित किए गए। कश्मीर में पत्थरबाजी पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार ने बनाई नई रणनीति, घाटी में युवाओं को रोजगार और शिक्षा देने पर जोर। रुड़की में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की सालाना बैठक, सभी जिलों के गोरक्षा, उलेमा और महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी होंगे शामिल। समस्तीपुर में आरजेडी ने राज्य बीजेपी अध्यक्ष का नित्यानंद राय का जलाया पुतला, जूते चप्पल की पहनाई माला, मंत्री ने अब शब्दों का किया इस्तेमाल। ये जनता पार्टी है, उसने शिखंडियों की दिमाग खड़ा कर रखी है। दहेज की मांग से परेशान एक मुस्लिम महिला ने मेरठ के आईजी दफ्तर में उठाया साहसिक कदम, पति को दिया तलाक। साल 2012 में हुआ था मेरठ की रहने वाली दो बहनों का एक ही गांव में निकाह, ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप। तलाक देने वाली मुस्लिम महिला का गंभीर आरोप, कहा पति करता था मारपीट, बहन के पति पर खुद से बलात्कार का लगाया आरोप। शामली पुलिस ने थाने में कराई प्रेमी जोड़े की शादी, समोसा कोल्ड ड्रिंक पर मना जश्न। पुलिस के मुताबिक बालिक है प्रेमी जोड़ा, शादी कराने के लिए परिजनों की रजामंदगी का दिया हवाला। गया जिले के शेरघाटी में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार, लूटी बाइक और हथियार बरामद। अगरतला में पुलिस ने फिर आदिवासी मां को सौंपा उसका 2 साल का बच्चा, राज्य सरकार ने बच्चा बेचे जाने की खबर से किया इनकार। खबरों के मुताबिक आदिवासी मां ने पुलिस के इस मामले में उधमपुर के बाली इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, जलकर हुआ राख, वक्त पर नहीं पहुंचे दमकल कर्मी। उड़ीसा के कोरापुट में नक्सलियों का बरपा कहर, जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर में लगाई आग। वडोदरा के बरोडा डेयरी में हादसा, बॉयलर का ढक्कन खुला रहने से फटी दूध की बोतलें, 6 कर्मचारी झुलसे, 1 की हालत गंभीर। सूरत में निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान ढहा, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में चल रहा था पार्किंग का काम, इसी दौरान हुआ हादसा, 6 दबे मजदूरों में से 4 को बचाया गया। जिले के रोहिणी इलाके में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में अंजाम दी गई वारदात। सुपौल में लग्जरी कार में शराब की तस्करी का खुलासा, मिला अवैध शराब का जखीरा, कार जब्त, तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में थाना प्रभारी रामेश्वर सिंह ड्यूटी के दौरान शराब पीने पर हुए गिरफ्तार, मेडिकल कराने के दौरान जमकर हुआ ड्रामा। छपरा में बोलेरो और ऑल्टो में मिली 88 पेटी अवैध शराब, 3 आरोपी गिरफ्तार। 24 परगना में एयरपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर लगी भीषण आग, आग लगने की वजह की हो रही पड़ताल। नोएडा के सेक्टर 128 में जेपी इंस्टीट्यूट की छात्रा ने खुद रची अपहरण की साजिश, पिता से फिरौती के नाम पर वसूले 10 लाख रुपए। यूपीएसडीएफ ने महज 4 घंटे में किया छात्रा की साजिश का खुलासा, लड़की समेत 4 लोग गिरफ्तार। मॉडल मोनिका चौहान केस के आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, 1 हफ्ते बाद बांग्ला फिल्मों में एक्टर विक्रम ने खुद को किया कानून के हवाले। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चाकुओं से गोद कर 28 साल की युवक की हत्या, लूटपाट में वारदात का शक। हैदराबाद के चिंतापाले में लैंडमाइन ब्लास्ट, जीप में सवार होमगार्ड के जवान की मौत। लुधियाना के ट्रांसपोर्ट नगर में आग से हड़कंप, लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी के झांसी में टायर और फर्नीचर गोदाम में आग, पूरे इलाके में मची भगदड़। बिहार के मधुबनी में 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी बस, 1 की मौत, 24 यात्री घायल। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लॉरी और बोलेरो में टक्कर, 6 लोगों की मौत।
यूपी के एटा में मिनी ट्रक पलटने से 14 लोगों की मौत, हादसे में 20 से ज्यादा जख्मी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी नेता के घर में मिली महिला टीचर की लाश, गांव वालों को प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। शामली में एक महिला से छेड़छाड़ को लेकर परिवार के सदस्यों में खूनी संघर्ष, एक की मौत, 3 लोग घायल। ग्वालियर में एक नशेड़ी के जमकर पिटाई, छेड़छाड़ के आरोप में गुस्साए लोगों ने धुना। यूपी के मैनपुरी में 4 साल की बच्ची से बलात्कार, मिठाई का लालच देकर वारदात को दिया अंजाम। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन से 3 एक्सप्लोसिव डिवाइस पकड़े जाने के बाद हड़कंप, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुवाहाटी में सोने की तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़, रेलवे स्टेशन से 50 किलो सोना बरामद। दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा बंदोबस्त का मॉक ड्रिल, आतंकवादी हमले से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसी ने जांची अपनी ताकत। विशाखापट्टनम में स्वच्छता मिशन के सर्वे में हुआ पास, देश में 3रे सबसे साफ सुथरे शहर का मिला खिताब। नर्मदा में किसानों को दाल बिक्री का फौरन नहीं मिल रहा लाभ, 15 दिनों के बाद चेक से किया जा रहा भुगतान, मूल्य में कमी। वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के कलाकारों का सालाना डिस्प्ले, कलाकारों ने कृतियों में पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और मानवीयता का दिया संदेश। शिलांग में आयोजित जूनियर बॉयज गोल्फ चैंपियनशिप में दिल्ली के राघव ने मारी बाजी, कोलकाता के कार्तिक शर्मा रहे दूसरे पायदान पर। नोएडा में हजारों घर खरीदारों की बढ़ी उम्मीद, घर खरीदारों की समस्याएं सुलझाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर्स के साथ की बैठक। 4 दिनों में प्रोजेक्ट पूरा करने का प्लान सौंपेंगे डेवलपर्स, इस साल के आखिर तक पोजीशन शुरू करने का वादा। डेवलपर्स ने एनजीटी पीरियड को 0 पीरियड के तहत ब्याज माफी की रखी मांग, लेट पेमेंट भी कम करने की गुजारिश। नोएडा में सबसे बुरा हाल जेपी ग्रुप का, 28,000 फ्लैट्स में से 22,000 फ्लैट्स के ग्राहकों को पोजीशन का इंतजार। आम्रपाली ग्रुप के ग्राहकों को भी पोजीशन का इंतजार, अभी तक नोएडा के 105 प्रोजेक्ट्स में से केवल 29 पूरे। आईपीएल में अगले राउंड से बाहर हुई बैंगलोर की हार का सिलसिला जारी, पंजाब से 19 रनों से दी शिकस्त। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर की टीम को 139 का दिया था लक्ष्य, जवाब में बैंगलोर 119 पर हुई ढेर। फिर नहीं बोला कप्तान कोहली का बल्ला, महज 6 रन बनाकर पकड़ी पवेलियन की राह। इस आईपीएल में 12 मैच खेल चुकी बैंगलोर की ये 9वीं हार है। आज आईपीएल में सुपर सैटरडे खेले जाएंगे 2 महामुकाबले, पहली भिड़ंत हैदराबाद और पुणे के बीच, दूसरा मैच दिल्ली मुंबई के चक्कर। इमरान अहमद को अबू धाबी के बुर्जल अस्पताल में किया गया भर्ती, करीब 1 साल चलेगा इलाज। इंग्लैंड में आम चुनाव से पहले थ्रेसा में ली राहत की खबर, स्थानीय निकाय चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी की बड़ी जीत। अमेरिका पर उत्तर कोरिया का नया आरोप, कहा किम जोंग उन की हत्या की साजिश तैयार कर रहा है CIA। इस महीने 5 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुस्लिम देशों के साथ नए रिश्तों की शुरुआत की करेंगे पहल। सोशल मीडिया के बड़े फैन है अमेरिकी राष्ट्रपति का, सबसे तेजी से दुनिया तक पहुंचने का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है।